हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे है सब? हम खेलने डाले। भाई हो के सब अच्छे है। देखिए मैं यार आयात आज बाहर जा रहे ठीक है, गार्डन गार्डन जा। अच्छा गार्डन जाने का इरादा है इनको, तो देखेंगे बाहर जाके क्या क्या करते और जो है मतलब क्या खरीदते। स्पेशली आज कुछ रेसिपी बनाने का प्लान है घर पे नफीसा को, क्योंकि रमजान आ रहा तो उससे पहले कुछ मतलब स्पाइसी खा लेते। जिस तो आया कुछ बोलना चाह रहे हैं आप लोगों से, आप क्या बोल रहे पापा बोलो। तो लाइक करना और शेयर करना नहीं भूलना, आया तो ये बोल रहे। हाँ तो दोस्तों लाइक करना वीडियो को और बोलो आप बोलो शेयर करना, हाँ सब्सक्राइब करना। राइट चलो आए पापा, हाय करो सब, पानी नहा लियो ना। हाय आपको भूख हो रहा? हाँ तो मम्मा क्या बनाए मालूम है आपको? नहीं नहीं मम्मा कुछ और स्पेशल बनाए आप लोग। हाँ तो चलिए क्या बनाए वो दिखा दो आप लोगों को, क्या चल रहा है इधर? बाप रे फ्रेंड्स देखिए कितना काम है, बहुत सारा काम है, मगर उसमें इनको है ना बिरयानी खाने की फरमाइश हुई तो बिरयानी बनाना पड़ा मुझे राइस कुकर में, क्योंकि बहुत जल्दी क्विकली बनना बोले तो और खाने की फरमाइश भी पूरी होती और जल्दी से जल्दी हो जाती, बोल के राइस कुकर में बनाए क्योंकि मुझे किचन का करना है ऑलमोस्ट पूरा हो गया, जैसे कि बेडरूम हॉल पूरा हो गया, अभी मेरे को किचन की साफ सफाई करना है। अभी हो गई मेरी बिरयानी, ये देखिए माशाल्लाह बिरयानी और ये दही की चटनी बनाई है, तो दही की चटनी भी बनाई है। हाँ दही की चटनी बना ली है, हो गया अभी खाना है बस, तो खुश चलो अल्हम्दुलिल्लाह आ जाओ बहुत दिन के बाद एक्चुअली। हाँ अच्छा बहुत दिन के खाएंगे, बल्कि प्लान था तो बच्ची की तबीयत खराब होने की वजह से ऐसा नहीं कर पाए और काम भी था बहुत इसके वास्ते, तो चलो आ जाओ की साफ सफाई है। खाने के बाद काम भी करना पड़ता है, तो खिला रहे अच्छा इसलिए कि काम करो बल्कि। हाँ तो ये है हमारी घर की हालात और आज की स्पेशल बिरयानी स्पेशल रेसिपी ठीक है। आज लास्ट फाइनल पूरा काम खत्म कर देना है घर की। ले लिए अच्छा है, टेस्टी अच्छा बना, माशाल्लाह बहुत अच्छा देखने में बहुत अच्छा दिख रहा। चलिए देर किस बात की, खाना खाएंगे, बहुत भूख हो रहा बहुत देर से। हाँ बच्चे भी मतलब खाने के लिए भी वो कर रहे हैं, तो देख सकते हैं आप बिरयानी खाए तो बिरयानी खा के एक्टिव होते मगर सुस्त हो गए यहाँ पर खाने के बाद, थोड़ी देर रेस्ट लेके और चाय पी लिए आराम से। यहाँ पे आयत को भी पढ़ा लिए, इनको भी पढ़ाने का था, ट्यूशन नहीं जा रहा है तो घर पर ही पढ़ा रहे इनको, तो मेधा को भी मैं सुला दी। अब देखते देखते टाइम भी खत्म हो गया, शाम हो गई तो मैं ऑलमोस्ट थोड़े निकाल के धो दी, तो देख सकते हैं आप ये मैं गरम मसाले के जो शीशे हैं वो शीशों में से निकाल के ये पाउडर ऐसा पूरा डाल के रख दिए, गरम मसाले के पाउडर कवरों में वो शीशे धोने के लिए निकाल दी, थोड़े बहुत शीशे में धो दिए और बाहर के यहाँ पर है और ये सब खाली करना है और ये सब धोना है मेरे को और ये बुट्टियां ये पूरे शीशे भी धोना है वो ऊपर के भी और यहाँ पर नीचे के पूरे और आज किचन का काम कैसे भी कम्प्लीट करना है। तो देख सकते हैं आप किचन में हर छोटे छोटे मतलब ये है कि छोटा किचन रहता बट साफ सफाई उसको ज्यादा रहता, क्योंकि हर छोटे छोटे जो भी रहते हो उसको निकालो धो भी एक्सचेंज करो उसको क्लीन करो पोछो इसमें ही टाइम चले जाता। तो रमजान का प्रिपरेशन अभी भी जारी है तो बने रहिए हमारे साथ, हमारे वीडियोस को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, तो चलिए हमारे साथ बने रहिए और वीडियो को एंड तक देखिए। ऊपर से हम लोग ये डब्बे निकाल लिए, अब ये डब्बों को पूरा खाली करके इसको धोना है डब्बों को भी। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप आयत के पापा क्लीन कर रहे हैं रैक्स, हाँ शेल्फ्स क्लीन करने देखिए यहाँ पर, और थोड़ा जाले भी है मतलब मैं ऊपर के जाले ले लिए और ये शेल्फ के जाले जो है नहीं ले सके क्योंकि ये डब्बे वो पूरे थे तो इसलिए नहीं लिए, तो यहाँ पर पूरा कपड़े से क्लीन कर रहे हैं। अच्छा है देखो आयत के पापा रहने से मेरे को थोड़ा हेल्प हो जाती क्योंकि काम भी थोड़ा बहुत कर लेते और थोड़ा बच्चों को भी संभाल लेते नहीं। चॉकलेट्स देखो कहाँ छुपा के रखना पड़ा क्योंकि आया देखे ना चॉकलेट चॉकलेट करते हैं, जब भी कुछ रोते कुछ भी अगर ऐसा सताते जिद करते तो उनके लिए एक अलग से चॉकलेट देने के लिए इमरजेंसी। एक दिन ऐसा हुआ कि हम लोग एग्जीबिशन गए थे तो एग्जीबिशन से हम लोगों को ये मिला कॉकरोच की दवाई, तो देख सकते हैं आप। हाँ अगर आपके घर पे भी है तो ये एंटी जेल
एंटी कॉकरोच जेल बोल के है, दिखा दो। हाँ, ऐसा जेल लगा के रखे हम लोग एक कवर, जेल इसमें ऐसा कवर रखे है, इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा ऐसा लगा के रखना। हाँ, और जहाँ जहाँ कॉकरोच आते जाते रहता उन लोगों के रास्ते पे ऐसा रखती है, तो इसके स्मेल से या तो इसके आजू बाजू आके लोग मर के पड़ रहे। हाँ, थोड़े थोड़े करके मर गए पूरे, नहीं तो कितने लाल हिट खत्म हो जा रहे थे। मतलब हम लोग कितने के लाल हिट, हर महीने को एक लाल हिट लेके आ रहे थे, हम लोगों को यूज करना पड़ रहा था। एग्जीबिशन आया तब हमें मालूम हुआ कि ऐसा दवा मिलता, पहले वहाँ जाने के बाद मालूम हुआ, उनमें से छुटकारा मिल गया। देखिए ऑलमोस्ट अभी जो है वॉशिंग चला, क्लीनिंग तो मैं जितना हुआ मैं कर दी, अभी पूरा पानी से धो रहे, साफ पानी से ऑलरेडी इतना जमा लिए धो के, ये थोड़ा पानी निकालने के वास्ते ऐसे हम रख दिए थोड़ा। हाँ, पानी निकलने के बाद थोड़ा इजी हो जाता पानी निकलना, स्टैंड पूरा फुल हो गया, रखने को जगह नहीं है, तो इसलिए मैं अभी इसमें से पानी थोड़ा बहुत निकल गया, तो मैं इसको निकाल के पहले पोछते के थोड़े बहुत रख देती हूँ ऊपर जमाने के लिए, तो थोड़ा स्टैंड खाली हो जाता है, बाहर के धोके फिर रखने के लिए काम में आता। देखिए अभी भी पूरा इतना बाकी है, ये सब भी धोना पोछना है, तो लगता है कि किचन में उतना कुछ नहीं है, मगर करने के लिए तो बहुत कुछ है। उठ गए, अब मेरा काम रह गया और बहुत देर भी हो गई, बहुत रात हो गई, अभी लोग खिलाना भी है पिलाना भी है और मेरा हाथ भी नहीं छोड़ रहे, नो रो रहे, तो इनको संभालना है, तो इसलिए मैं आधा काम करे, आधा काम मेरा रुक ही गया, तो चलिए मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ आधा काम क्या करे। ये देखिए ये पूरे में जो है ना शेल्फ में के पूरे ये डब्बे, ये शीशे, पूरे ये जो भी है स्टील के बॉक्स को पूरे निकाल के मैं धो दिया और इसके सुक्का पोंछ के, और इसमें पूरे जिसमें जो चीज़ें होना है वो पूरे इसके अंदर डाल दिए। ऑलमोस्ट ये तो पूरा हो गया, तीन शेल्फ पूरे कंप्लीट हो गए, बट ये मुझे नीचे के ये पूरे क्लीन करना है, और अब कितने अच्छे लग रहे हैं वॉश करने के बाद, और बहुत अच्छा लग रहा मेरे को तो, और आप लोगों को कैसा लग रहा है ये वॉश करने के बाद और जमाने के बाद, मैं कैसा जमाए आप कॉमेंट करके ज़रूर बताइए। तो बाकी जो भी काम अधूरा रह गया तो इंशाल्लाह कल कंप्लीट करेंगे, तो वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए। तो चूल्हे का जो बाकी था ये नीचे के, मतलब ये पूरे भगोने धोने के थे, ये पूरे शेल्फ क्लीन करने के थे, ऑलमोस्ट मतलब पूरा हो गया समझो ये। अब मुझे ये पत्थर धोना है चूल्हे का पूरा, यहाँ पर ये चूल्हा भी क्लीन करना है, और ये बर्तन रखने का स्टैंड भी धोना है, तो ये विंडो हम लोग हमेशा बंद करके रखते हैं, तो विंडो में भी मतलब डस्ट हो गया, तो मैं क्लीन करने की कोशिश करे बट क्लीन नहीं हुआ, अभी पानी डाल के क्लीन कर देते फ्रेश। और घर पूरा डीप क्लीनिंग हो गया, तो देख सकते हैं आप कितना मतलब कितना डस्ट था, देखे होंगे आप कमरे में, जैसे हॉल में किचन में भी बहुत कुछ था, हर छोटी छोटी चीज को लेके पूरा क्लीन करना पड़ा। तो अगर मैं ये अगर डीप क्लीनिंग ना करती रमजान से पहले तो मेरे को सेटिस्फेक्शन नहीं होता था, मेरे को कहीं ना कहीं मतलब अरे घर साफ सफाई नहीं हुई, बल्कि फिर मेंटली मतलब वो रहता था माइंड में कि साफ सफाई नहीं है, बल्कि तो फाइनली हो गया, तो मेरे को सुकून मिल गया क्लीन करके, और अब कुछ नहीं है, बस रोजे रहना है, इबादत करना है, बस अच्छा अच्छा पकाना है। तो ये था हमारा डीप क्लीनिंग, तो घर पूरा डीप क्लीनिंग हो गया, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मैं ये दिखाऊंगी आपको कि मैं कैसा डेकोरेट करने वाली हूँ रमजान के लिए, क्या क्या प्रिपेयर करना है और कैसा डेकोरेट करना है और डेकोरेट करने के बाद कैसा दिखता, तो चलिए वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, वो है नेक्स्ट वीडियो। तो बस ये वीडियो यहाँ तक ही था, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।